नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पुराने सलवार में से कपड़े का एक रेक्टेंगल पीस कट करके इसे क्विल्ट कर लिया है। लाइनिंग का कपड़ा, सेंटर में राइस बैग और मैन फैब्रिक रख के इसमें सेंटर में हमने सिलाई लगा ली है। ये देखिए, लेंथ है इसकी 29.5 इंच, विड्थ है इसकी 19 इंच। अब देखिए, इस कॉर्नर से इंच टेप रखेंगे, 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसी तरह यहां से भी 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसी तरह इस तरफ भी निशान लगा लेंगे। अब इसे अलग रख देंगे, इसके लिए हैंडल बनाएंगे। अब देखिए, दूसरे कपड़े में से मैंने सेम साइज के पीसेस कट किए हैं। लेंथ इसकी 20 इंच, विड्थ इसकी 4 इंच। अब इसे इस तरह फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे और सेंटर से फोल्ड करते हुए इसे पूरे में सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह इसे भी तैयार कर लेंगे। देखिए, हैंडल हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसे लेंगे, एक हैंडल लेंगे, इस निशान पर रखेंगे, इसका दूसरा सिरा इस निशान पर रखेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। इसे लेंगे, इसे भी इस तरह रखेंगे, इसमें भी यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए, इसी साइज की मैंने एक चैन ली है। चैन की सीधी साइड नीचे तरफ रखेंगे, देखिए इस तरह से। थोड़ा एक्स्ट्रा चैन लिया मैंने, चैन को बाद में कट कर लेंगे। यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब मैंने एक कपड़े की पट्टी ली है, विड्थ इसकी 2.5 इंच। इस पट्टी को चैन के ऊपर रखेंगे, अब एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह चैन के ऊपर पट्टी लगाने से एक तो चैन में अच्छी सी फिनिशिंग भी आ जाएगी अंदर से, और यहां से धागे भी नहीं निकलेंगे इसके। अब देखिए, इस पट्टी को इस तरह पलटेंगे, किस तरह इस ऊपर की तरफ करेंगे हैंडल को। अब इसमें टॉप स्टिच लगा देंगे। ये देखिए, अब इसे इस तरह पलटेंगे। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे पूरे में, इस तरह से। इसमें भी यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब चैन को यहां से खोल के अलग कर लेंगे। अब देखिए, सिलेंगे, सीधी साइड नीचे तरफ रखेंगे, इस तरह रखेंगे, इसमें यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब एक पट्टी और लेंगे, इस पट्टी को इस तरह रखेंगे चैन के ऊपर, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। इसे भी सेम इसी तरह से फिनिश कर लेंगे। ये देखिए, अब सबसे पहले हम इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे बराबर, सेंटर में निशान लगा लेंगे, इधर से बराबर कर लेंगे, यहां पर भी सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब देखिए, सेंटर से फोल्ड करेंगे बराबर, यहां पे और पिन लगा लेंगे। और पिन लगाने से कटिंग करते हुए खिसकेगा नहीं। आप देखिए, यहां से ऊपर की तरफ हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे, यहां से भी 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान को ऊपर की तरफ 2 इंच तक खींच लेंगे। अब इन्हें मिला लेंगे। ये देखिए, 2x2 इंच का एक बॉक्स बना लिया हमने। इस तरह इधर भी 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन्हें कट कर लेंगे और फिर हटा देंगे। अब देखिए, जो हमने सेंटर में निशान लगाया था, इस निशान पे इंच टेप रखेंगे, 3 इंच नीचे तक खींच लेंगे। इधर से भी अब इसके लिए पॉकेट बना लेंगे, इसे अलग रख देंगे। अब देखिए, सेम साइज के 2 पीसेस मैंने और तैयार कर लिए हैं। लाइनिंग का कपड़ा, सेंटर में राइस बैग, ऊपर से मैन फैब्रिक। विड्थ इसकी 13 इंच, लेंथ इसकी 9.5 इंच। अब एक पॉकेट लेंगे, इस तरह पलटेंगे। अब देखिए, इसे इस तरह फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे, पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इसे हमें एक ही साइड से फोल्ड करना है। अब इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे, इसमें सेंटर में निशान लगा लेंगे।
इसे अलग रख देंगे। अब इस वाली पॉकेट को लेंगे, अब देखिए यहां से नीचे की तरफ 1 इंच में निशान लगाएंगे, इस निशान को सीधा खींच लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे यहां से। अब देखिए इसके लिए मैंने एक चैन ली है, चैन की लेंथ है 10 इंच। अब देखिए सेम साइज के 4 कपड़े के छोटे छोटे पीसेस लिए हैं मैंने, 2.5 इंच बाय 2.5 इंच के पीसेस हैं ये। अब एक पीस लेंगे, चैन को इस तरह सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, एक पीस और लेंगे, इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे। देखिए इस तरह से यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए। अब इन कपड़ों को इस तरह पलटेंगे, अब देखिए चैन की सीध में बिल्कुल निशान लगा लेंगे सीधा यहां से भी। अब इस निशान से घुमाते हुए इस निशान तक सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए। हुक हमें पहले से डाल लेना है, अब एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह से इधर से भी फिनिश कर लेंगे, ये देखिए। अब इसे लेंगे, चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, देखिए इस तरह यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए। अब इसे इस तरह पलटेंगे, इस तरह से इसमें टॉप स्टिच लगा देंगे, ये देखिए। अब इस पट्टी को लेंगे, चैन के ऊपर रखेंगे, इस तरह यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए। अब इसे भी इस तरह पलटते हुए टॉप स्टिच लगा देंगे, ये देखिए। अब सेम साइज का मैंने कपड़ा लिया है, इसे इसके ऊपर रखेंगे, अब यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए। अब इस कपड़े को पीछे की तरफ पलटते हुए इस तरह, अब इसके चारों तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए। अब एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। अब देखिए सेंटर से फोल्ड करेंगे, सेंटर में निशान लगा लेंगे, ये देखिए। अब इसे लेंगे, इस पॉकेट को लेंगे, अब देखिए सेंटर के निशान को इस सेंटर के निशान से मिलाएंगे बिल्कुल बराबर। अब देखिए इस हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे, फिर इसी तरह से हाफ हाफ इंच फोल्ड करते हुए यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए। अब दूसरी वाली पॉकेट लेंगे, जिसे हमने सिर्फ एक साइड से फोल्ड किया था, इसके सेंटर के निशान को इसके सेंटर से मिलाएंगे। अब इसको भी इस तरह हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए तीनों साइड से, यहां से भी इस तरह से और यहां से भी इस तरह फोल्ड करते हुए किनारे किनारे पे 3 साइड सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए। अब इसे इस तरह फोल्ड करेंगे, अब इसमें हम हुक डाल देंगे, अब इसे पलट के उल्टा कर लेंगे। अब एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे और एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे, ये देखिए। एक्स्ट्रा चेन को हम कट कर लेंगे। अब देखिए दो लाइनिंग की पट्टियां लेंगे, इन सिलाइयों को लाइनिंग की पट्टी से कवर कर लेंगे, ये देखिए। अब कॉर्नर को पकड़ेंगे इस तरह से यहां तक सिलाई लगा लेंगे, फिर इस वाले कॉर्नर को पकड़ेंगे यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए। कॉर्नर के रफ एजेस में हमने कपड़े की पट्टी से कवर कर लिए है, अब इसे यहां से खोल के सीधा कर लेंगे, ये देखिए। हमारा सुंदर सा बैग बिल्कुल रेडी है, ये देखिए इसकी एक पॉकेट, ये देखिए इसकी दूसरी पॉकेट, ये देखिए। देखिए काफी अच्छे साइज का बैग बनकर बिल्कुल रेडी है, अंदर से भी इसकी काफी अच्छी फिनिशिंग आई है, ये देखिए। और ये देखिए इसकी दूसरी पॉकेट, इसका साइज बता देती हूँ आपको, विड्थ है इसकी 18 इंच, लेंथ इसकी 12.5 इंच, और देखिए बेस इसका 5 इंच।